जो बाबा बनने के लिए भगता है उसको लेकर सगे संबंधी, अच्छा व्यक्ति हो तो सगे संबंधी भर रोते हैं, वो तो नहीं रोता कि अपने सगे संबंधियों को छोड़कर मैं। आजकल तो मैंने एक दिन कहा था ना, शास्त्र सम्मत शोक का रास्ता ही खत्म हो गया, विस्तार पूर्वक कहा। अरे शास्त्र सम्मत शोक करना तो जानो, फिर शोक के त्याग की बात ऊपर की है, ताकि शोक मात्मविद। अभी तो शोक ही समाप्त है, शास्त्र सम्मत शोक व्यक्ति करना जानते ही कहाँ है। शास्त्र का ज्ञान नहीं है तो शास्त्र सम्मत शोक है ही नहीं। अग्निहोत्र की आग में कितने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जलते हैं, सब होने पर है ही नहीं अग्निहोत्री। पहले अगर ब्राह्मण होकर अग्निहोत्री होकर कदाचित प्राकृत अग्नि के द्वारा, दावानल के द्वारा उसका शरीर जल जाता, शोक करते थे, शोक के रास्ते सब बंद हो गए। बहुत बढ़िया हमारे पूज्य गुरुदेव ने राजपंचाध्यायी की व्याख्या के संदर्भ में कहा है, आर्य धर्म में सन्निहित पतिव्रताएँ थी वो गोपांगनाएँ जो रासलीला में सम्मिलित हुई। माने जीवन उनका स्खलन युक्त नहीं था, सबके सब पतिव्रताएँ थी, और अंत में श्री कृष्ण ही उनके पति भी थे। यही विचित्र बात, कैसे एक वर्ष की अवधि में जब श्री कृष्ण ही ब्रह्मा जी ने वत्सापहरण गोपापहरण किया ना, उस एक वर्ष की अवधि में श्री कृष्ण ही सभी गोपाल बन गए थे, उनकी काली कमरिया बन गए थे, लकुटिया बन गए थे, गाय बन गए, वत्स बन गए थे, बछड़े भी बन गए थे। और गर्गाचार्य जी ज्योतिषी थे, उन्होंने एक दाव चला दिया कि बस इन गोप कन्याओं के विवाह का इससे बढ़िया मुहूर्त नहीं मिलेगा। उसी एक वर्ष की अवधि में ब्रज की जितनी छोरियां थी, ब्रज भाषा में बोलें तो ब्रज की जितनी छोरियां थी सबकी शादी हुई। आकृति की दृष्टि से तो अलग से, लेकिन प्रकृति की दृष्टि से श्री कृष्ण सब बने थे। प्रकारांतर से सब गोपियों के पति तो श्री कृष्ण ही थे। क्या श्री कृष्ण ही थे? यानी श्री कृष्ण ही थे। एक साल उन्हीं दिनों विवाह हुआ तो साथ क्या निकला। इसीलिए अब आर्य धर्म में सन्नद्ध थी, पतिव्रताएँ थी। फिर श्री कृष्ण जो हैं, पति के भी पति हैं, माता के भी माता हैं, पिता के भी पिता हैं। आर्य धर्म में सन्निहित पतिव्रता के जीवन में श्री कृष्ण विषयक रति उत्पन्न हुई, उसका महत्व है या नहीं, समझ गए ना। आर्य धर्म में सन्निहित व्यक्ति अगर कहीं विशेष धर्म, सर्वधर्मान परित्यज्य शरणागति धर्म, विशेष धर्म के अनुपालन के लिए सामान्य आर्य धर्म का त्याग करता है तो उसके त्याग का महत्व है। और जो पहले से ही वेश्यावृत्ति से है उसके तो पतिव्रत उसके जीवन में है ही नहीं, उस पुंस्थली का क्या महत्व है। आर्य धर्म में सन्निहित व्यक्ति जैसे हम लोग माता पिता भाई बहन सबके प्रति तो आस्थान्वित हैं, क्या पितृभक्त नहीं होगा, मातृभक्त नहीं होगा, बाबा बन जाने से काम चलेगा? तो पितृभक्त होते हुए मातृभक्त होते हुए कितने कठोर लगते हैं, और कोई आ जाए तो बात भी कर लें। हमारे सगे संबंधी बहुत ही विवेकी हैं, हम उनको पहचानते भी नहीं जो बाद में हुए हैं, वो कहीं आ भी जाते हैं तो हमको नहीं परिचय देते कि हम भतीजे लगते, दिल्ली आदमी कभी आ भी गए प्राय परिचय नहीं देते, हमें भी नहीं पता कौन है, बहुत शीलवान है, इतना सुरक्षा। लेकिन हम लोग जो हैं अंदर से सबके प्रति अपनत्व रखते हुए आर्य धर्म की सीमा में माता पिता भाई बंधु सगे संबंधियों के संबंध से ऊपर उठते, संबंध से ऊपर उठना अलग चीज़ है, संबंध से नीचे रह जाना अलग चीज़ है। क्या संबंध से नीचे उतरना तो क्या पतन है, संबंध से ऊपर उठ जाना उत्कर्ष है। इस प्रकार से बताया गया कि सगे संबंधी जिसके लिए रो रहे थे उस जीव को तो कोई शोक नहीं था, क्योंकि विवेक युक्त वचन के द्वारा उसने अपने शोकाकुल शोकातुर सगे संबंधियों के भी शोक का पारण कर लिया। लभते पर्व देहिकम,
पूर्व जन्मों में कर्म उपासना की घाटी, योग की घाटी जिसने पार कर ली, उसका फल प्राप्त करके ही जिसका जन्म हुआ है, वो कर्म उपासना की घाटी पारंगत होने के कारण ज्ञान मार्ग में चलता है, सफल हो जाता है। पूर्व जन्म में कर्म उपासना की घाटी पार की नहीं, इस जीवन में वेदांतियों के चपेट में आ गए, कर्म उपासना में प्रीति प्रवृत्ति नहीं, सीधे ज्ञानी हो गए, तो पतन की ओर जाएंगे या ऊपर की ओर जाएंगे? पतन की ओर जाएंगे ना, इसीलिए बहुत विचित्र बात है। अरे पारंगत कौन होता है? प्राप्त का अतिक्रमण करे तब पारंगत होता है। हम यहाँ खड़े, हम नदी के पारंगत हो गए। अरे तुम्हें तो पारंगत क्या हुए, अभी तो नदी का तुमने केवल मुंह देखा है ऊपर से। पारंगत माने उस पार पहुंच गए, पारंगत कैसे हो गए? पार क्या, तो अभी प्रश्न ही नहीं उठता है। भव पार, भव सागर से पार, तो क्या मतलब हुआ? कर्म उपासना की घाटी या तो पूर्व जन्म में तय करके आवे व्यक्ति, तो साधन चतुष्टय संपन्न होके ही जन्म लेगा, या कुछ कसर है तो इस जीवन में उतने अंशों में कर्म उपासना की घाटी पार करे तब ज्ञान फल जाएगा। अगर सुनाने वाला ठीक ढंग से सुनाता है तो वेदांत श्रवण से पुण्य की प्राप्ति होती है, प्रतिबंध का निवारण होता है। सुनाने वाला अगर कर्म उपासना के प्रति अनास्था उत्पन्न कर देता है तो उन वेदांतियों के लिए महाघातक सिद्ध होता है। बड़ी दिक्कत बात यहाँ पर, जिसके लिए ये सब शोक कर रहे थे उसके मन में तो कोई शोक ही नहीं था। बड़ी विचित्र बात है, बच्चे जब रोते हैं उनके प्रतिकूल घटना हो जाए। कौन कौन हट प्रसिद्ध है जी? बाल हट, त्रिया हट, योगी हट, राज हट। कल वहाँ बताया था, राजा योगी अग्नि जल ये चारों बहुत प्रभावशाली होते हैं, इनसे दूर रहने पर भी काम नहीं चलता, ज़्यादा चिपक जाने पर खतरा है। इसलिए राजा से दूरी रखने पर बहुत कष्ट का सामना करना पड़ता है, और राजा से ज़्यादा घुल मिल गए, कब फांसी दे दे, कब जेल में डाल दे, कब पिटवा दे, कह नहीं सकते। योगी से दूर रहेंगे लाभ नहीं उठाएंगे, योगी से ज़्यादा सट गए न जाने कब साफ दे देगा। अग्नि से दूर रहेंगे तो सर्दी का निवारण नहीं होगा, भोजन आदि का निर्माण नहीं होगा, ज़्यादा मैत्री करेंगे जल भून के राख हो जाएंगे। पानी से दूरी रखेंगे प्यास की निवृत्ति नहीं होगी, स्नान आदि का संपादन नहीं, भोजन नहीं बनेगा, ज़्यादा मैत्री कर लेंगे तो समुद्र में डूब के मरेंगे। ऐसे ही हठ में किसके किसके हठ प्रसिद्ध हैं? राजा के हठ और देवियों के, स्त्रियों के हठ, देखिए कैकेयी आदि का हठ, राजा अयोगियों के हठ, राजा के हठ, देवियों के हठ, योगियों के हठ, बड़े बालकों के हठ। हाँ, लेकिन विचित्र बात है, बालक कितना रोता है किसी काम को लेकर, उसकी बात न मानो तो उस समय लगता है कि इससे अधिक शोक क्या हो सकता है, एकदम लगता है मर जाएगा, छाती पीटता हट पट। लेकिन विवेकी व्यक्ति हंसते हैं, इसका जो रुदन है अविवेक मूलक है या सचमुच में कष्ट है। माताएं परख लेती है ना, पेट में दर्द है या कहीं जल गया, ठोकर लगे, तब रोता है, और एक झूठ मूठ के किसी खिलौने आदि को या उसकी बात न मानो तब इतना रोता है कि उसके रोने को सुनकर लोगों को लगता है कि अरे अरे प्राण न छोड़ दे, लेकिन विवेक की हंसते हैं, नादान है, दुल्मुह है। इसी प्रकार से वो जीव जिसने शरीर छोड़ दिया था, वो जीव को लगता था या जिनको पिता बनने का सुयोग बना, माता बनने का, ये सब कितने अविवेकी हैं। हमारे लिए रो रहे हैं और जीव अपने लिए हंस रहा था। एक शरीर का बंधन तो कटा ना, एक प्रारब्ध काम तो टूट गया ना, इस शरीर में जो बंधन था प्रारब्ध काम टूट गया, अब वो चला गया जीव। जीव चला गया लेकिन उसके विवेक युक्त वाक्यों को सुनकर जो भी शोका
कुल थे सबका शोक भी वो ले गया, माने हरण कर लिया, अर्थात निशोक बना दिया, शोक मुक्त बना दिया। निरहत निरहृत्य ज्ञातयो ज्ञातेर्देहं कृत्योचितः क्रियाः तत्यगोर्दुस्त्यजं स्नेहं शोकमोहभयार्तिदं। तेरहवां श्लोक। जाति वालों ने बालक का जो मृत शरीर था, देह को ले जाकर, शरीर को ले जाकर शास्त्र सम्मत विधा से उसका संस्कार किया और जो दैहिक क्रियाएँ पूर्ण की और जो स्नेह पास में वो बंधे थे उस स्नेह को भी छोड़ दिया। उस स्नेह के कारण क्या क्या होता है? शोक भय मोह दुख की प्राप्ति होती है। तत्यजम स्नेहम शोक मोह भयार्तिधम। बहुत बढ़िया है। स्नेह के गर्भ से क्या टपकता है? शोक। स्नेह का पर्यवसान किसमें है? मोह। स्नेह का पर्यवसान किसमें है? भय में है। और आर्तिदम दुख में है। जो मैं जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिढोरा पीटती प्रीति करे जनी खोए। ब्रजवासी कहते हैं, गोपियां कहती थी, अगर हमको पता होता कि छल छवेले नट नागर श्याम सुंदर में प्रीति करने से कष्ट होता है, पहले ही नगर में ढिढोरा पीट देती। प्रीति करे जन कोई, कोई भी प्रीति मत करो। प्रीति का पर्यवसान दुख है। उपनिषद क्या कहती है? प्रियम रोष्यति। बच्चों, प्यारी प्यारी वस्तु, प्यारे प्यारे व्यक्ति बटोरो, स्नेह उनमें लगाओ, अंत में प्रेम का फल है रोना। ब्रजवासी क्या कहते हैं? प्रेम के विषय वहाँ भगवान है, यहाँ भव है। रोना गाना सिसकना आहू की जागीर। कन्हैया से छल छबीले नटनागर से प्रेम करोगे, प्रेम जागीर विभूति संपत्ति के रूप में क्या चीज़ें मिलने वाली हैं? रोना गाना सिसकना आहू की जागीर। कभी रो पड़ोगे, कभी हंस पड़ोगे, कभी गाने लगोगे कहीं। अब हम तो एकांत में रहते हैं और बाहर का कोई व्यक्ति हमारी किसी चेष्टा को देख ले तो बहुत ही विचित्र हालत हो जाए उसकी। आज ही स्नान घर में था, कोई आध्यात्मिक पहली सुलझ गई और यहाँ पर हमने चांटा मार इतने जोर से आवाज़ की ऐसे। अब बाहर कोई होता तो होता कि कुश्ती लड़ रही है, कोई उनको पीट तो नहीं रहा है शंकराचार्य को। फिर मैं हंसा भी कि मैं तो स्नान घर में हूँ, कोई पहली सुलझा रहा था गणित के, वो सुलझ गई दैव से या नायास मिल गई तो हमने ऐसे ताल पीटा। अब बाहर का कोई व्यक्ति होता, मान लीजिए कमरा तो बंद था स्नान घर, होता ये क्या हो रहा है, कभी जोर से हंसते भी हैं, कभी गाते भी हैं, कभी एक एक महीने तक बिल्कुल गंभीर होकर केवल कंपोज करते जाते हैं, कई भाव होता है। इसी प्रकार से प्रीति करने पर कभी क्या होता है? रोना, अनुकूल लीला का स्फुरन हो गया तो गाना भी, कभी कभी अनुकूल भगवान की छवि आ गई तो हंस भी पड़ना। सच्ची बात है, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, ये सब थे ना, सनातन गोस्वामी, सब वृंदावन। एक संत उनके सामने आश्रम से जा रहे थे। वो संत उस समय वो कैसे थे, ऐसे बुढ़ापे के कारण शरीर झुक गया था, लाठी टेक के जा रहे थे। इतने में वो जो बंगाल परंपरा के संत जोर से हंस पड़े। अब जोर से हंस पड़े तो वो जो संत वृद्ध लाठी टेक के जा रहे थे, उनको एक भ्रम हो गया, मेरी इस दशा को देखकर इतने बड़े महात्मा जी हंस पड़े। रूप गोस्वामी मान लीजिए हंस पड़े। अब
उन्होंने सोचा बड़े महात्मा हैं, संत हैं, विद्वान हैं, हम क्या कहें, लेकिन देखिए मुझ बुढ़े को लाठी टेकते हुए देखकर उन्होंने हंस दिया, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। उनके मन में इतना हुआ कि ये अभी वृद्ध नहीं हुए हैं, इनकी कमर नहीं झुकी है, आखिर शरीर का गुमान तो होता ही है ना, हमारे बुढ़ापे को देखकर ही हंस पड़े। वो भी संत थे जो जा रहे थे ना, उनके मन में जो खेद हुआ उससे इनका वजन वजन सब छूट गया। कितना भी प्रयास करें भगवान में, श्री कृष्ण में मन नहीं लगता था। अपने गुरु वही चाचा आदि होते थे, सनातन गोस्वामी, ये सब जो भी उनके गुरु हैं तीन में से, उनके पास पहुँचे। उन्होंने कहा कि मैं तो मारा गया, अमुक दिन के बाद कोई ध्यानवान लगता ही नहीं, कितना प्रयास करता हूँ। तो उन्होंने कहा तुमसे तो कोई प्रमाद हो नहीं सकता, लेकिन बिना प्रमाद के यह दंड मिल नहीं सकता है, थोड़ा विचार करो। तो उन्होंने कहा कि एक पता लगाओ, कई व्यक्ति लगा दिए गए। वो वृद्ध जगह जगह बोलते थे कि देखिए इतने बड़े महात्मा संत भजन करने वाले हमारे भी प्रणम में, भले ही आयु में कम हो, लेकिन आखिर हमको हम बूढ़े को चलते हुए लाठी टेक कर चलते हुए हंसना तो नहीं था। तब उनको पता चल गया कि उनके मन में जो शोक है, अपमान की भावना है कि हमारा अपमान हुआ, इससे यह प्रतिबंधित हो गया। तब संत के पास गए, बुलाया और कहा कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप क्यों मुझ पर मेरे कारण कष्ट पाते। उन्होंने कहा देखिए उस दिन आपने हंस दिया, तब से मुझे लगता है हाय बुढ़ापे भी के कारण आप हंसे। उन्होंने कहा शपथ खवा लीजिए, मैंने आपको देखा भी नहीं, आपको देखकर हंसता क्या, आप ठाका मार के हंसे। कहा कि सुनिए, ठाका मार के हंसने का कारण क्या था, मैं भाव राज्य में एक दृश्य देख रहा था कि राधा रानी कदम्ब की एक शाखा पर क्या है, शाखा को ऐसे करके लटक रही हैं और श्री कृष्ण शाखा पर हैं। श्री कृष्ण के बाहर से शाखा झुक गई, श्री कृष्ण ने क्या किया, विनोद, शाखा के अग्रभाग से इधर आ गए और शाखा ऊपर उठ गई, तो राधा जी ऐसे लटक गई। ये जो भाव राज्य में राधा जी का ऐसे करके ऊपर चला जाना और श्री कृष्ण का शाखा से इधर आ जाना, तो वजन कम हो जाने से जो शाखा ऊपर उठ गई, टूटी नहीं, उससे राधा जी लटक गई। ये क्या किया, ये क्या किया, उस दृश्य को देखकर मुझे हंसी आ गई, और कोई हंसी का कारण नहीं था। तब उन्होंने कहा मेरी भूल है, फिर आपके हंसी का कारण भावराज, हमने समझा कि मुझको देखकर हंसे। तब वो कहने लगे कि हमको क्षमा कीजिए। उन्होंने कहा कि देखिए शपथ खवा लीजिए, मेरे हंसने का कारण ये था, फिर भी आपको कष्ट है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। वो कहे मुझे क्षमा कर दीजिए, कहे मुझे क्षमा कर दीजिए। उसके बाद क्या हुआ, फिर उनको भजन में वो सब दृश्य दिखाई पड़ने लगा। तो क्या अर्थ होता है, कभी रोना, कभी गाना, कभी शिशकना, कभी छल छबीले नट नागर आ गए तो बहुत हंसते हैं गाते हैं, कभी लगा कि हाय हाय हमको छोड़ के चले गए तो रोते भी हैं। इसीलिए हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, साधक की साधना सगुण साकार पक्ष में कब पूर्ण होती है, जब बाह्य इष्ट सापेक्ष भी साधना नहीं रह जाती, प्रेम नहीं रह जाती। वाक्य कठिन है, अनुभव पूर्ण है, अनुभूति पूर्ण है। बाह्य इष्ट सापेक्ष जब साधना नहीं रह जाती, इष्ट निरपेक्ष साधना हो जाती है, तब साधक की साधना की सिद्धि मानी जाती है।
राधा सुधा निधि पर प्रवचन करते हुए पूज गुरुदेव ने वृंदावन में कहा था, अंक स्थिते पि दयिते। राधा सुधा निधि में यह श्लोक है, बस बस राधा रानी विश्वानुनंदिनी निभित निकुंजेश्वरी को छल छबीले नट नागर श्री कृष्णचंद्र का संगम प्राप्त है। लेकिन भाव व्यवहार में श्री कृष्ण सामने ही हैं, बैठे ही हैं, लेकिन व्यवहार में ऐसा होने पर भी भाव राज्य में श्री कृष्ण का विप्रलंब वियोग हो गया। समीप होने पर भी भाव राज्य के वियोग ने उनको रुला दिया। अच्छा, श्री कृष्ण जो है गोचारण लीला के प्रसंग में सखाओं के साथ वन में चले गए, लेकिन भाव राज्य में राधा रानी के श्री कृष्ण उनसे मिलने आ गए, तो दूरी भी दूरी नहीं है, वियोग की दशा में संयोग है, पहले संयोग की दशा में वियोग है। तो बाह्य इष्ट सापेक्ष रह गया, नहीं रहा। तो मन में जब श्री कृष्ण इष्ट देव समा जाते हैं, श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध में भगवान की 8 प्रकार की मूर्तियों का वर्णन है, उसमें सबसे दिव्य मूर्ति है मनोमयी, पाषाणमयी, मृणमयी, धातुमयी और अंत में 8 प्रकार की मूर्तियों में एक मूर्ति है मनोमयी। मनोमयी मूर्ति क्योंकि मन चिन्मय होता है, चिदाभास से युक्त होता है, मनोमयी मूर्ति के रूप में जब इष्ट देव स्फुरित होने लगते हैं तो साधना परिपक्व मानी जाती है। अपना शरीर भी जब भाव राज्य में मनोमय हो जाता है, मंजरी शरीर, सखा शरीर, वृंदावन आदि की प्राचीन उपासनाएं, अब तो जब से माइक, बिजली और प्रवचन कथा आदि कोई भी कहने लग जाए बीमारी चली, तब से वृंदावन मानो वृंदावन नहीं रह गया, सिद्धों की समाप्ति हो गई। यह सब क्या नाम है, गोवर्धन की तलहटी, चित्रकूट, अयोध्या, सब अब वाही आडंबर, झोपड़ी गई, बिल्डिंग आ गई, कथा वार्ता में माइक आ गए, बिजली आ गए, और क्या है, कीर्तन भी अब माइक से ही करो, 24 घंटे करो, वो सब खत्म, ये सब खत्म। नहीं तो पहले गुरु बताते थे तुम जो है मुदमंगल का अनुगमन करो, मुदमंगल अपने आप को मानो, और श्री कृष्ण से सीधे संबंध नहीं हो सकता, अनुगत्य इसको कहते हैं। अष्ट सखाओं में किसी संखा का अनुगत्य प्राप्त करो, उनके माध्यम से श्री कृष्ण तक पहुंच सकते हो। भगवान की जो सखियां, राधा रानी की जो सखियां हैं, ललिता, विशाखा इत्यादि, इनमें किसी सख्य का अनुगत्य, किसी सखी का अनुगत्य स्वीकार करो, तब करुणा वरुणालया राधा रानी विश्वानुनंदिनी, तब तुम्हारी गति हो सकती है। भाव राज्य का शरीर बता देते थे गुरु लोग, अब व्यक्ति 2-2, 3-3 घंटे ध्यान करता करता 12-20 वर्षों में क्या करता था, भाव राज्य में उसको वो शरीर, अपना शरीर इतना परिपक्व होता था कि मन में होता था मैं वो हूँ, समझ गए। बाहर से बुढ़ा वृद्धावस्था का शरीर है, पुरुष का शरीर है, अंदर उसको मंजरी शरीर, अपनी सखी शरीर का भान होता था, और बाहर से मान लो स्त्री शरीर है तो उसको सखा शरीर का भान होता था, भाव राज्य का शरीर। तो भाव राज्य का शरीर, उसमें भाव राज्य में कोई दिव्य लीला का स्फुरन हो गया तो गाना, रोना, गाना, सिसकना, आहों की जागीर, ये सब प्रेम मार्ग की विभूतियाँ हैं। प्रीति का फल पर्यवसान कष्ट में होता ही है, वहाँ का कष्ट भगवत विषयक विप्रलम्बादि के भान का कष्ट तापाप नोदक होता है, संसार का जो कष्ट है ताप का वर्धक होता है, यह बात दूसरी है।